जी दे नाल मेरी मेरा मुट ते अखीर जिवे समय ने सिर जी ए दी सोहनी तस्वीर दस किवें तैनू आख सुनावा आ जा मेरा पिंड वेख लै पंजाब केड़े रंगी वसदा वेखावा आ जा मेरा प्यारे दर्शकों मैं तजिंदर सिंह जशन हाज़र हाँ तुहाडा मनपसंद प्रोग्राम आजा मेरा पिंड वेख लै लैके सो जिवें असी तुहाडे नाल वादा कीता होया कि असी तुहानू पंजाब दे वख-वख पिंडां च लैके जावांगे ते पिंडां दीआं प्राप्तियां बारे दर्शावांगे सो अज असी तुहानू लै आए हाँ लुधियाणा ज़िले के पिंड अखाड़ा विच सो आओ देखते हाँ कि अखाड़ा पिंड ने की तरक्की की है इत्थों दीआं शख्सियतां नू भी मिलांगे ते इत्थों दीआं प्राप्तियां बारे भी जाणांगे सो आओ एक गेड़ा लगाने आ पिंड अखाड़ा दा मालवे दी मिट्टी दा बहुचर्चित पिंड अखाड़ा इतिहास दे पन्नियां ते सुनहरी यादां समोई बैठा है। ये पिंड अनेकां वार उजड़िया ते अनेकां वार वसिया है। कहा जांदा है कि यह धरती घना जंगल सी। रियासतां वेले यह पिंड रायकोट रियासत दा हिस्सा होया करदा सी। इस पिंड दी आबादी 6000 दे करीब है। इस पिंड विच 2300 वोटर हैं। दशम पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी लम्मे जटपुरा की धरती तो इस स्थान पर आके ठहरे सन। इत्थे मौजूद कैम दे रुख नाल घोड़ा बन्निया। पिंड की बजुर्ग माई सेवी ने गुरु जी नूं दुध छकाया। गुरु जी ने वर दिता आप जी की कुल विच सिख विद्वान पैदा होवेगा जो इस नगर का नाम उच्चा करेगा। इस नगर विच महान उद्यमी ते बुद्धिजीवी लोग पैदा होणगे। बेदी वंश दे सिख जरनैल बाबा साहिब सिंह बेदी इस स्थान ते लम्मा समा रहे। पिंड अखाड़ा दे विच ही गुरद्वारा दुख निवारण साहब कैमा वाली टाप बनिया होया ते हुण असीं इत्थे सरोवर दे बिल्कुल ऐन कोले खड़े हाँ नज़दीक खड़े हाँ सो आओ जानते हैं कि इस सरोवर का इस गुरद्वारा साहब का की इतिहास है जी। हाँ जी इस गुरद्वारे उत्ते साडे धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने पवित्र चरण पा के इन्हां नूं धरती नूं भाग लाए ने जी। उस तों बाद धन धन बाबा साहिब सिंह बेदी महाराज उन्होंने इस धरती ते आ के काफ़ी समा आपदी फौज दे नाल इत्थे डेरे लाए और इस धरती नूं वर दिता सुके बच्चों नूं हरे होण दा वर दिता जी। ये साडे मतलब स्थान ते जो भी मंग कोई मंगदा वा नेचा दे नाल हर एक मंग पूरी हुंदी है और दूरों दूरों संगत दिल्ली बंबे कलकत्ते तो बच्चों नूं लै के इत्थे नभाउंदे आ। पंज ऐतवार बच्चे नूं नभाउणा पैंदा जी। कोई उत्थे वड्डी सुख नहीं एक मिट्टी दा भड़ोला सुख के बाबे दे इत्थे सेवा करके और बच्चे नौपुर नूं हुंदे। महान गुरु साहिबान जी की बदौलत इस नगर का देशां विदेशां विच सत्कार है। पिंड अखाड़ा दे सूझवान सरपंच श्रीमती जसविंदर कौर जी हैं। इन्हां दे नाल पंच करमजीत कौर, पंच माया कौर, पंच अमनदीप कौर, पंच दरबारा सिंह, पंच कुंडा सिंह, पंच बिक्कर सिंह, पंच गुरमेल सिंह अते नंबरदार पूरन सिंह जी भी उन्हां दे नाल पूरी सलाह नाल अते तनदेही नाल पिंड दी बेहतरी वास्ते सरगर्म रहिंदे हन। इन्हां सारयां दी रहनमई हेठां पिंड साफ सुथरा दिखाई दिंदा है। सरपंच बीबी जसविंदर कौर जी अपनी पंचायत नाल समूहिक तौर पर जाके चल रहे कामों का निरीक्षण करते हैं ते लोकां दीआं समस्यावां दा हल करते हैं।
वाल टू वाल ब्लॉक लगा के गलियां बनाईया गई हैं। थां थां ते लोकां दे बैठण वास्ते सीमेंटेड कुर्सियां भी लगाईयां गईयां हैं। पिंड विच रात वेले रोशनी लई लाइटां भी लगाईयां गईयां हैं। इसे तरह ही पिंड दी निगरानी लई थां थां ते सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। अखाड़ा पिंड विखे पशु धन की बीमारी वेले देखभाल लई पशु डिस्पेंसरी भी स्थापित है। पिंड विच सरकारी अर्ध सरकारी ते प्राइवेट अदारे वड्डी गिणती विच हन, जिन्हां करके इत्थों दे वसनीकां नूं हर तरह की सहूलत पिंड विच ही मिलती है। हुण असीं पहुंचे हाँ बाबा साहिब सिंह जी बेदी चैरिटेबल हस्पताल दे विच। इत्थे आ के सानूं पता लग्या कि नौजवान जिहड़े साडे नशियां दे विच गलतान हो चुके ने, उहनां नूं नशियां दी दलदल दे विचों बाहर कढ़न लई यतन कीते जांदे आ। सो आओ देखदे हाँ कि जिहड़े नौजवान ने उहनां वास्ते की यतन कीते जा रहे ने। बाबा जी की यतन कर रहे हो तुसीं नशे छडाउण लई नौजवानां नूं? इह जी साडा जो इत्थे मतलब हॉस्पिटल आ, इह नगर बनियों बनाया गया सीगा, तो मतलब कि भी गरीबों वगैरह लई सारा उत्थे दवाई वगैरह दे के है ना उन्होंने जिनी क हैल्प हो सके, पर वो किसी कारण करके चलो जो NRI वीर जिन्होंने बनाया सी वो बाहर चले गए, कुछ चलो बजुर्ग हो गए एक्सपायर हो गए जी, उस तों बाद ये खाली पिया सी। उस तों बाद असी सोचा भी क्यों नहीं इत्थे मतलब आपां मुंडिया नू नशे छडाउण वास्ते आपां कोई कैंप वगैरह लाया जाए जी। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਟ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਛੋਲੇ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਕੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਦਾਮ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਹੀ 5-7 ਕੁ ਦਿਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਸਮਝਾਈਦਾ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਹੈਲਪ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਪਾਠ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਾਈਦਾ, ਪਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ 5-7 ਕੁ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਬਸ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਜੇ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਈ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 60 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 2 ਮਹੀਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜੇ, ਫਿਰ 60 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਹੀ ਰਹੂਗਾ ਜਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ 60 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਵੈਮਾਣ ਭਰਪੂਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕ ਭਾਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਅਖਾੜਾ ਵਿੱਚ ਧੜਕਦਾ ਹੈ। NRI ਵੀਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ NRI ਵੀਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਅਖਾੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ NRI ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਡੁਬਈ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਆ ਉਹ ਤਾਮੀਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੋ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਡੁਬਈ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤਾਮੀਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਫੁਰਨਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਫੁਰਿਆ? ਮੈਂ ਜੀ 25-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਰਹੀ 3 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਵੀ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਤਮੰਨਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜੀ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ 14 ਚੇਤ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਾਰਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਜੰਗਲ ਬੀਆਬਾਨ ਗੰਦ ਮੰਦ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਹ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਵੇਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਲਿਬੜੀ ਤਿਬੜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਛਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਪਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਤਮੰਨਾ ਸੀਗੀ ਬਈ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ NRI ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਬਾਹਰ
उन्होंने सारे ने मैनू इस गल का सहयोग पहला ही दिता। एक साल पहला यह गल हुई सी, साल बाद बेटे की डैथ हो गई कोई कारण होने, उस तो बाद जी इतने आके पिंड का सहयोग लिया सारे पतवंते सज्जणा नूं पंचायत नूं नाल लैके जो रै सलाह की वह कहें जैसा अभी तेरे नाल ये फिर असी स्टेडियम बनाया जी। इकत्तियां दिनां दे विच स्टेडियम बनाया, इहदे विच 28 लख रुपया मैं लाया जी, 22 लख मैनू साडे सत्कारयोग बजुर्ग भैणा बच्चे जिन्हें आ पिंड दे विचों नगर दे विचों किसी ने 10 किसी ने 5 जिवें आपदी बेहता मुताबक उन्होंने सारयां ने दित्ते। इस करके मतलब स्टेडियम बनाया गया बाबा साहब सिंह दे नां ते। सो असीं आस करदे हां कि सारे पिंड जिहड़े आ उह वी इस पासे वल्ली ध्यान देणगे ताकि जिहड़े साडे नौजवान ने जिहड़े साडे बच्चे ने इहो जिहे स्टेडियमां दे विच आ के खेडण ते हमेशा हमेशा लई नशियां तों वी बचे रहण ते उहनां दी जिहड़ी बहुत पक्की शख्सियत दा निर्माण वी होवे। खेडां दे खेत्र विच अखाड़ा पिंड शानदार प्राप्तियां कर रहा है। आधुनिक तकनीकां नाल लैस जिम भी स्थापित किया गया है। सो अखाड़ा पिंड दे विच बहुत वड्डा जिम बनया होया जिथे अत आधुनिक मशीनां लगियां होईयां, सवेरे शाम नौजवान इत्थे आउंदे ने वर्जिश करदे ने ते आपदी शख्सियत दा निर्माण करदे ने। लेकिन इस सारे यतन दे पिछे कौन है आओ जानदे हां। सर तुसीं सानूं दसो कि इस पिंड दे विच जिहड़ा एड्डा वधिया जिम बनया होया वा उह किहने बनाउण दे विच योगदान पाया वा? देखो जी साढ़े अखाड़े पिंड कहावत आ भी NRI वीर साढ़े पिंड के रूह की खुराक कहा जाता, तो बहुत वड्डा संजोग आ जिथे कि साढ़े मौजूदा सरपंच आ जिहड़े उन्हां दा भी इस जिम दे विच बहुत वड्डा योगदान आ। तो यह जिम खोलन का मकसद यह आ कि जिहड़ियां वड्डे शहरां दे विच आधुनिक मशीनां ट्रेनिंग मशीनां वो असीं इत्थे जिम दे विच मुहैया कराईआं गईआं, तो इहदे विच असीं सोचिआ सीगा भी जिहड़े गरीब नहीं कह सकदे जिहड़े कमजोर वर्ग आ जिन्हां कोले फीस नहीं गी महीना भर देण दी वो कमजोर जिहड़े वर्ग के नौजवान आ जिहड़े खेडना चाहुंदे ने। तो मेन जिहड़ा साडा मोटिव सीगा भी नवी पीढ़ी नूं नवी जनरेशन नूं नशियां तों दूर रखना, उहदे लई असीं बहुत हद तक इस पिंड दे विच असीं कामयाब होए आ। तो इस पिंड दे विच आथन सवेरे जिम जिहड़ी खुलदी आ दुपहर दे टाइम भी खोली जांदी आ जिथे कि नौजवान हर एक नौजवान इत्थे अपनी कसरत एक्सरसाइज करके इस पंजाब दे सूबे लई ते भारत दे लई इक चंगा नौजवान जिहड़ा सेहतमंद नौजवान बने। अजकल अखाड़ा पिंड लुधियाणा जिले की तहसील जगराओं के अधीन है। इस पिंड के आले दुआले होर भी कई मशहूर पिंड लगते हैं जिन्हां विच ढोलन रूमी डल्ला भम्मीपुरा कौंके माणूके अते जगराओं शामिल हैं। इस पिंड विखे एक विरासती हवेली भी है जिहड़ी कि 1933 की बनी हुई है ते अजकल भी इसकी शान वक्री है। पिंड दा गेड़ा मारदिआं इत्थों दे लोकां दे चंगे रहिण सहिण ते अमीरी दा पता चलदा है। इत्थे शानदार कोठियां दूरों ही नजरी पैंदियां हन। विश्व दे सब तों वध पढ़े लिखे व्यक्ति सरदार हरदयाल सिंह सैंबी इस नगर दे वसनीक हन। सो अखाड़ा पिंड ने जिथे बहुत सारी तरक्की की हुई है उत्थे नाल ही इसे पिंड दे बजुर्ग ने जिन्हां ने लेखनी दे विच अपने आप नूं सिद्ध किया है। सो साडे दरम्यान हरकोमल बरियार जी ने जिन्हां ने काफ़ी सारियां किताबां लिखियां ने, इस तरह हरबंस सिंह अखाड़ा जी ने बड़े महान लेखक ने ये, और HS डिंपल जिहड़े PCS ऑफिसर ने इसे पिंड दे, और सब तो वड्डी जिहड़ी गल हैगी आ मेरे नाल डॉक्टर हरदयाल सिंह सैंबी जी बैठे ने। इन्हां ने हुण तक तकरीबन 40 दे करीब जिहड़ियां डिग्रियां हासिल कीतियां। सो सैंबी साहब तुहाडे नाल ही पहलां गल कर लैंदे हैगे आ कि तुसीं इह जिहड़ियां 40 दे करीब डिग्रियां हासिल कीतियां वा, इह डिग्रियां हासिल करन दे पिछे तुहाडी भावना की सी ते तुहानूं प्रेरणा कित्थों मिली?
भावना तो सब तो पहला आदमी नूं यही हुंदा है कि मैं अपनी रोजी रोटी का बंदोबस्त करा। तां मैं इंजीनियरिंग की, इंजीनियरिंग करके मैं मिलट्री दे विच अफसर लग गया और अफसर लग के बहुत सारे डिसीजन लेने पैंदे है और वो डिसीजन जिहड़े है अगर तुहानूं हर एक साइड की नॉलेज है तो ज़्यादा परफेक्ट हो जाते हैं। जो तुहानूं इक्को पासे की नॉलेज है तो तुसीं उत्थे खूह दे डड्डू वांगू उन्ना की दस सकोगे। इस करके डिसीजन वधिया डिसीजन और परफेक्ट डिसीजन लैण वास्ते सानूं हर एक साइड की नॉलेज मैडिकल मैनेजेरियल एजुकेशनल इकोनॉमिक ये सारिया चीज़ों का अकाउंटेंसी ये सब नॉलेज होनी चाहिए है। तो अजकल फिर जो आप जिंदगी का जो समा वो भी तुसी कोई किसी खास किस्म की कोई पढ़ाई कर रहे हो? मैं हूँ भी पढ़ाई कर रहा और मेरा बहुत मन है एग्जाम देने को भी। मैं यूनिवर्सिटियों के नाल कंटैक्ट भी करता रहना हूँ भी। लास्ट में 2020 दे विच ही डिजास्टर मैनेजमेंट का PG डिप्लोमा किया है। ओके। हूँ भी मेरा मन है लेकिन पिछले कोरोना ने काफ़ी नुकसान कर दिता है। यूनिवर्सिटियों के भी जो कोर्स ने वो कट कर दिए गए हैं। नहीं तो मेरे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन खास करके ये मेरे हाले मन के भी करनी है। सो तुसी नौजवानों इन डिग्रियां हासिल की नौजवानों तुसी की सुनेहा देना चाहोगे? मैं तो ये कहाँगा पढ़ना ठीक है, तुसी पैसे वास्ते पढ़ सकते हो पर उससे बाद तुहानू ये नहीं चाहिए कि पढ़ाई खत्म हो गई। आदमी की लाइफ खत्म हो सकती है, पढ़ाई नहीं खत्म हो सकती। जे तुसी पढ़ोगे एग्जामीनेशन के परपज़ वास्ते तो रफ्ते टफ चीज़ा भी पढ़ोगे। तो इस करके थोरोर नॉलेज वास्ते तुहानू पढ़ना चाहिए और जिनी नॉलेज गेन करो उन्नी थोड़ी है, ज़्यादा नहीं। मैं जो दो तीन डिग्रियां कीतियां सी मैं सोचता सी मैं बहुत ज़्यादा पढ़ गया। ज्यों ज्यों ज़्यादा पढ़ गया मैं हुण भी सोचना कि मैं कुछ भी नहीं पढ़िया। सो जिवें असीं अक्सर ये बोलते हैं कि जे पूरा करना ख्वाबां नूं तां रखियो नाल किताबां नूं, तां सैंभी साहब यही सुनेहा देना चाहुंदे ने। सो आओ आपां सारे रल मिल के पढ़ीए ते अपने देश नूं अगे लैके जाईए। सो पिंड अखाड़ा दा गेड़ा लाउंदिआं लाउंदिआं असीं पहुंचे हां सत्त दे विच ते कुदरती सानूं पता लग्गिआ कि सत्त दे विच गिल अखाड़े वाला जी बैठे ने जिहड़े गीतकार भी ने ते गायक भी ने ते इसे पिंड दे जंपल ने। सो गिल अखाड़े वाला जी सानूं बड़ी खुशी हुई कि तुसीं सत्त च बैठे हो, विचार वटांदरा कर रहे हो पिंड वालिआं दे नाल। तो सानूं तुसीं कोई इक स्थाई अंतर आपदा सुनाओ जिहड़ा तुहानूं आपणे आप ही जिहड़ा तुहाडा लिखिआ वी आ तुहाडा गाया वा तुहानूं पसंद आ। ते मैं तुहानूं पंजाब दे लोक तां सुणाउण लग्गिआ जी। ठीक है। ओहो जे पुत जवान तिउनू अखां कढ़ीए ना, फसल अपनी मंडी दे विच सुन्नी छड़ीए ना। ओहो जे पुत जवान तिउनू अखां कढ़ीए ना, फसल अपनी मंडी दे विच सुन्नी छड़ीए ना। ओ सच्चा बंदा सच्ची गल तां मूँह ते कहि जांदा, ओ सच्चा बंदा सच्ची गल तां मूँह ते कहि जांदा। ओ माड़ा मुखिया पिंड ते घर नूं लै के बहि जांदा, ओ माड़ा मुखिया पिंड ते घर नूं लै के बहि जांदा ओए। सब सेंटर अखाड़ा विखे चरणजीत कौर कम्यूनिटी हैल्थ अफसर वजो सेवावां निभा रहे हैं। उन्हां दे नाल 6 होर स्टाफ मैंबर भी हैं जिहड़े कि उन्हां दे नाल मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के लोगों की सेवा कर रहे हैं। इत्थे ब्लड RBC तो इलावा होर कई तरह के टैस्ट भी किए जाते हैं। इस मौके पर गल करदिआं चरणजीत कौर कम्यूनिटी हैल्थ अफिसर ने कहा कि इस सब सेंटर नूं सरकारी सहायता होण दे नाल नाल पिंड दे वसनीकां ते NRI वीरां दा विशेष योगदान है, जिस करके ये सेंटर वधिया तरीके नाल चल रहा है। अखाड़ा पिंड विखे संत ज्ञानी गुरबचन सिंह खालसा सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल इलाके च सिक्ख्या दे खेतर च बहुत ही माणमतियां प्राप्तियां कर रहा है।
सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल खाड़ा अपने इलाके का बहुत ही वधिया अते सारिया सहूलतों के नाल परपक स्कूल है जिस दे विच सारे अध्यापक पूरे हैं मेहनती हैं तजर्बेकार हैं तौर प्रिंसीपल मैं ते मेरा स्टाफ हमेशा ही बच्चों के वधिया भविख के लिए जदोजहद करते रहने ताकि साढ़े बच्चे हर एक खेत्र के मोहरी आन चाहे वह पढ़ाई है चाहे वह सह विद्यक अकादमिक क्रियावान ने तो चाहे वह खेडा ने साढ़े बच्चे स्टेट लैवल पर जाते हैं तो सानू अपने बच्चों पर माण है अध्यापक भी मैं माण है। अखाड़ा पिंड विखे सरकारी प्राइमरी स्कूल भी बहुत सुंदर तामीर किया गया है जिस तो छोटे बच्चों वधिया ते उच्च म्यारी सिक्ख्या मिल रही है। पिंड अखाड़ा विखे बाबा हरदित सिंह बाबा भगवान सिंह ते बाबा सुचा सिंह जी की याद विच गुरमत विद्यालय ते पुस्तकालय भी बनाया हुआ है। इसकी देखरेख ज्ञानी उदय सिंह जी कर रहे हैं। उन्होंने सरकारी नौकरी तो रिटायर होकर अपने सारे पैसे नाल इसका निर्माण करवाया। सर कुलदीप सिंह लोट जी तुसी इस पिंड के वासी हो तो आप देखिया कि पिंड ने बहुत सारी तरक्की की हुई है जी। सो तुसी दसो भी उस तरक्की का राज की है। देखो अखाड़ा पिंड आ जिहड़ा मालवे बिल्ड के उत्ते एक पंजाब के बहुत चर्चित पिंडों के विचों एक है। जिस तरह अज ये पिंड विकास दीआं लीहां नूं छू रहा तो जेकर पिछले तीन दहाके की गल करिए असीं तां ये पिंड काफ़ी पछड़िया होया सीगा। तां पिंड दे एन आर आई ने तो कुछ पिंड के उद्यमी नौजवानों ने अपना उद्यम करके ये पिंड नूं विकास दीआं लीहां दे उत्ते लैके आंदा। तुसीं देखिया खेड स्टेडियम बनिया होया तो अगे तुसीं देखिया होना कि जिम बहुत वधिया नशा छड़ाऊ कैंप चल रहा तो होर बहुत सारे विकास के काम जो समाज सेवियों की तुसीं गल की एन आर आई की गल की जी उन्होंने कि ज़्यादा प्रोमीनेंट जो काम आ जो खास काम जो कि देखो युवक सेवावान क्लब जो साढ़े पिंड काफ़ी लंबे समय तो चल रहा उन्हां दा बहुत वड्डा रोल आ। जदों विकास की शुरुआत हुंदी आ पिंड की युवक सेवावान क्लब ने अपने ढंग दे नाल आ जिहड़ा पिंड दा डी डिवेलपमेंट करनी शुरू की आ। उन्होंने पिंड दे विच लड़कियां वास्ते सिलाई सेंटर शुरू किया। उन्होंने जिहड़े चंगे पढ़न वाले विद्यार्थी सी जिहड़े कि पढ़ नहीं सकते सी पर वो पढ़ सकते सी मतलब उन्हां दी आर्थिक स्थिति जिहड़ी आ ओह डामाडोल सी ते उन्हां दी मदद करके उन्हां नूं पढ़ाया ते उन्हां नूं चंगे चंगे कित्तियां दे उत्ते लाया। फिर उन्होंने सिलाई सेंटर चलाया फिर उन्होंने लोड़वंद परिवारों की मदद की खेडां दे वल नौजवानों नूं लैके गए तो नौजवानों नूं उन्होंने लिजा के दूर दूर लिजा के कैंप लिया ताकि कैंप लाए ताकि अगे अपने जीवन दे विच कुछ कर सकन उन्हां दी शख्सियत दा निर्माण कर सकन जी। तो यह सी लुधियाना ज़िले का पिंड अखाड़ा। अगली बार थानू फिर ले चलांगे पंजाब दे किसे होर पिंड विच ते हुण मैनू तजिंदर सिंह जशन नू दिओ आग्या फिर मिलांगे सत श्री अकाल। आ जा मेरा पिंड वेख ले पंजाब केड़े रंगी वसदा वेखावां आ जा मेरा।